झारखंड में लगातार साइबर अपराध सामने आ रहे हैं, लेकिन गढ़वा के इस मामले को हम अब तक का सबसे बड़ा साइबर क्राइम कह सकते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गढ़वा के खरौंदी थाना क्षेत्र में बहती ये है डोमनी नदी। यहीं पर राज्य सरकार ने बराज बनाने की स्वीकृति दी थी और इसका शिलान्यास 2014 में तत्कालीन विधायक ने किया था। आज इस योजना में सबसे बड़ा साइबर क्राइम सामने आया है। बताएं कि बराज के आसपास रहने वाले रैयतों के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए मुआवजा भेजा था, लेकिन उसमें से 10 करोड़ रुपए की अवैध निकासी कर ली गई। किसकी मिलीभगत से हुआ ये किसी को पता नहीं चल सका। ग्रामीण इस आस में हैं कि उन्हें मुआवजा कब मिलेगा, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि उनके हिस्से के रुपए लूट लिए गए। कितना जमीन जा रहा है? इसका मुआवजा मिला कि नहीं? क्या बोल रहे हैं पदाधिकारी? वो कहते हैं कि मिलेगा मिलेगा, पास हो रहा है पास हो रहा है। जी कितना दिन पहले बन रहा था ये? पहले करीब देखा था 4-5 वर्ष हो गए। इसमें काम लगल था? ये काम लगा था, तनिक नहीं का दिखा दे। तो फिर बंद काहे हो गया? ना जाने काहे बंद हो गया। एको रुपया नहीं खी मिलल हमारे अथी रुपया जात बने 2 एकड़ 8 कट्ठा जमीन डोमनी बराज में। ऐसे तो 3.5 एकड़ बा, तो पहाड़ तरले मैंने डूबी तब कहलन जैसे 2 एकड़ 8 कट्ठा जात बहनी। आगे मुआवजा क्यों नहीं मिला आप लोग को? एको रुपया नहीं खी मिला। तो आप लोग पदाधिकारी से बोले इस बारे में? अधिकारी से ब्लॉक गए आप लोग? ब्लॉक में सरकार कोई के पते नहीं चला, तो अंधेरी कहाँ जाऊँ हम। उधर विधायक भानु प्रताप शाही का कहना है कि गरीब किसान का पैसा था, 10 करोड़ कौन निकाल लिया ये किसी को अब तक पता नहीं है। उन्होंने ये शक जताया है कि ये घोटाले की भेंट चढ़ गया, जिसमें अधिकारी से लेकर बैंक के लोग भी शामिल हो सकते हैं। उधर पलामू सांसद ने घोटाले की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि इस योजना की जाँच CBI द्वारा की जा रही है। आज का भू अधिग्रहण का 10 करोड़ रुपया हम लोगों ने भिजवाया था। आज समीक्षा के दरमियान एक नया खुलासा हुआ कि वो 10 करोड़ रुपया गलत तरीके से लोग निकाल करके उसको बैंक से हेरा फेरी करके खा गए या उसको उड़ा ले गए। तो ये तो काफ़ी संगीन आरोप है, काफ़ी गंभीर आरोप है, और अभी तक कानो कान किसी की जानकारी नहीं हुई कि सरकार के जमीन के बदले में गरीबों को मिलने वाली पैसा फॉर्जरी करके निकाल लिया गया। कंपनसेशन दिया जाना है, उनके बीच वितरित किया जाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस राशि का डिफॉल्केशन हो गया और फ्रॉडलेंट वे में वो राशि निकाल ली गई। इस मामले का अनुसंधान CBI के द्वारा किया जा रहा है। CBI के द्वारा एक बार यदि इस कांड में चार्जशीट सबमिट कर दिया जाता है तो पुनः उस राशि की मांग संबंधित विभाग से की जाएगी, ताकि लोगों को मुआवजा दे दिया जाए और मुआवजा देने के बाद उस कार्य अधूरे कार्य को पूरा किया जाए। गढ़वा DC सीधे रूप में कहते हैं कि ये साइबर क्राइम का मामला है और इसकी जांच की जा रही है, जल्द खुलासा होगा। इसमें एक हम लोग कमेटी बना के संपूर्ण मामले की जांच करने की कार्रवाई कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद हम लोग फिर तदनुसार आगे की कार्रवाई कर। तो क्या मामला सर, साइबर का मामला लग रहा है क्या? हाँ, कुछ साइबर से जुड़ा हुआ मामला है, चेक को गैप क्लोन करके। तो जब तक इसमें दो एस्पेक्ट है, एक तो पुलिस का एस्पेक्ट है और दूसरा प्रशासनिक है। गढ़वा में ऐसी कई योजनाएं हैं जो आज भी घोटाले का दंश झेल रही है। अब इस 10 करोड़ घोटाले का पर्दाफाश कब तक होगा ये देखने वाली बात होगी। न्यूज 11 भारत के लिए गढ़वा से आशुतोष की रिपोर्ट। इस बार के आम बजट में चक्रधरपुर रेल मंडल के